यूपी में सपा बसपा गठबंधन के बाद 15 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन धूमधाम से मना। वहीं कन्नौज की सांसद और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का जन्मदिन भी सुर्खियों में रहा। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के 41वें जन्मदिन पर खास अंदाज में ट्वीट कर डिंपल को जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट किया जिसमें वो डिंपल यादव के साथ किसी नदी किनारे खड़े दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश के हाथों में दूरबीन है जबकि डिंपल इशारे से कुछ बयां कर रही हैं। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद डिंपल को बधाई संदेश देने वालों का तांता लग गया। डिंपल यादव का जन्म 15 जनवरी 1978 को पुणे में हुआ था और वो आर्मी बैकग्राउंड वाले परिवार से संबंध रखती हैं। उनके पिता आरसीएस रावत सेना में कर्नल थे। डिंपल और अखिलेश की पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी, तब डिंपल की उम्र 17 साल और अखिलेश यादव 21 के थे और उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई कर स्वदेश लौटे थे और डिंपल लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। अखिलेश और डिंपल पहली मुलाकात से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। करीब 4 साल के बाद दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया, लेकिन अखिलेश के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव तब इस शादी के पक्ष में नहीं थे। माना जाता है कि मुलायम किसी राजनीतिक परिवार में अपने बेटे की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन आखिरकार 24 नवम्बर 1999 को अखिलेश और डिंपल की शादी हुई। अब उनके 3 बच्चे हैं जिनके नाम अदिति, टीना और अर्जुन है। डिंपल यादव अब कन्नौज से सांसद हैं और राजनीति में भी पति अखिलेश यादव के साथ हमेशा साथ खड़ी नजर आती हैं। परिवारवाद के आरोपों की वजह से अखिलेश यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि डिंपल यादव 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। बहरहाल डिंपल राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय दिखाई देती हैं। इससे साफ है कि वो चुनाव भले ही न लड़े लेकिन राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहेंगी। वो सोशल मीडिया में भी काफी सक्रिय रहती हैं। इंद्रप्रस्थ न्यूज की रिपोर्ट।